फ़न शायरी के दूसरे सबक के साथ इरम बतूल कादरी आपकी खिदमत में हाजिर है पहले सबक में मैंने आपको सिखाया था फ़ा उम्मीद है आपने प्रैक्टिस भी की होगी और अपनी डायरी में फ़ा को या फ़ा के वज़न पर मुख्तलिफ हरूफ को इकट्ठा भी किया होगा सो so, आज हम शुरू करेंगे सबक नंबर दो ओजान के दूसरे पैमाने फ़ाल के साथ ये इसको बर मेहरबानी फेल मत पढ़िएगा ये है फाअल ये फा अल क्यों है अभी मैं इसकी वजाहत करूँगी फ़ाअल जहाफ़ का वो सह हरफी टुकड़ा है जिसका दरमिया हर्फ या हर्फ नंबर दो जारी है जिसका हर्फ नंबर दो जारी होता है वो तीन रुकनी लफ्स फ़ाल कहलाता है मजीद वजाहत कर देती हूँ जारी वाकिन हरूफ के साथ जिन हरूफ के ऊपर जबर नीचे जेर या ऊपर पेश हो वो तमाम अल्फाज जारी होते हैं जारी हरूफ को अगले हरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है मसलन आलम लम फ़ाल लम फाल के वजन पर है एन इलादा होकर बोल रहा है और लाम को मीम के साथ मिलकर बोलेंगे आ लम इसी तरह लफ्स है सबू सीन इलादा हो रहा है और बे और वाओ एक साथ मिलकर बोल रहे हैं सबू फी खे इलादा हो रहा है और फे और छोटी ये मिलकर फी बना रहे हैं खफी में ऊपर जबर के साथ बे ऊपर पेश के साथ और फे नीचे जेर होने के साथ जेर या जेर होने की वजह से जारी हरूफ बन गए हैं और इन हरूफ को अगले के साथ मिलकर बोलेंगे जबकि पहला लफ्ज है तो हमेशा पहला लफ्ज जारी लेकिन हरफ नंबर दो भी जारी होने की वजह से तीन रुकनी अल्फाज में आप ये देखेंगे कि हरफ नंबर दो हरफ नंबर दो के जारी या साकन होने की वजह से अल्फाज की बनावट या लफ्जों की बनावट उनको उनका तलफ चेंज हो जाएगा उनका तलफ बदल जाएगा अब जिस तरह हमने देखा था कि फ़ा को हम मुख्तलिफ बहरों में मुख्तलिफ नामों के साथ याद रखते हैं या मुख्तलिफ नामों के साथ इस्तेमाल करते हैं इसी तरह फ़ा अल को भी मुख्तलिफ या पाँच चार मज़ीद नामों के साथ फ़ा अल समेत ये पूरे ये अल्फ़ाज ओज़ान के इस पैमाने में पाँच अल्फाज आते हैं जिनमें में फ़अल इला मुफ़ा फ़िल इला मुफ़ा फ़ुन एक ही वज़न के मुख्तलिफ नाम हैं या मुख्तलिफ़ पैमाने हैं लेकिन इससे इनके वज़न पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनका हर्फ नंबर दो हमेशा जारी और जारी होने की वजह से हर्फ नंबर तीन के साथ मिलकर बोलता है यही इसकी पहचान है और ये याद रखना इंतहाई ज़रूरी है कि फ़ाल कैसे बनता है अब ज़रूरी नहीं है कि आपको तमाम फ़ाल बने बनाए मिलें क्योंकि सारे अल्फ़ाज़ उर्दू ज़बान में तीन रुकनी नहीं हैं इस जिस तरह सारे अल्फ़ाज़ दो रुकनी नहीं है यानी कि फ़ा नहीं है इसी तरह फ़ा या फल बनाए जाते हैं जब आपको पहचान हो जाएगी कि फा क्या है फ़अल क्या है तो यकीन आप इनको कल बनाना भी सीख जाएंगे और जब बनाना सीख जाएंगे, तो ये फ़न शायरी सीखने के मुतरदफ़ अमल है ये बुनियादी इसबाक हैं जो कि आप लोगों के लिए इनताई ज़रूरी हैं फिर वजाहत करूँगी फ़अल मुफा इला इलुन फाऊ अब देख लीजिए फा अल फे इलादा हो रहा है एन और लाम मिलकर फा अल बना रहे हैं मीम इलादा हो जाएगा फे और अलिफ मिलकर बोलेगा मुफा हो जाएगा मुफा इसी तरह एन पहला लफ्ज इलादा हो जाएगा लाम जारी होने की वजह से अलिफ के साथ मिलाकर बोला जाएगा इला ला इसी तरह इलुन में एन इलादा लाम जारी होने की वजह से नून के साथ मिलकर बोलेगा इलुन बन जाएगा और इसी तरह फाऊ फे इलादा एन और वाओ मिलकर फाऊ बन जाएगा ये सब अल्फाज एक ही वजन पर हैं ये सिर्फ इनके मुख्तलिफ नाम हैं कोई इतनी बड़ी या मुश्किल बात नहीं है सिर्फ़ पांच अलफ़ाज और इनके नाम आपको याद रखने हैं पीछे इन सब के बाद सिर्फ़ एक ही याद रखनी है कि इनका हर्फ नंबर दो जारी और अगले के साथ मिलकर बोलेगा हर्फ नंबर एक इलादा हो जाएगा फ़ाल की कैटेगरी या फ़ाल का पैमाना वज़न की या ओज़ान की पहली कड़ी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और अपनी डायरीज़ में फ़न शायरी की बाकायदा एक डायरी बनाइए उसमें इन अल्फाज को ख़ूबसूरती के साथ लिखिए रियाज़त कीजिए इन शुदा आपका हम आसर होगा प्रोग्राम के आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम को आप दुनिया के जिस भी हिस्से में देख रहे हैं अगर आपके पास कोई सजेसन्स हैं कोई भी मश्रा आप हमें देना चाहते हैं या आप हमसे सीखना चाहते हैं मज़ीद कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आती या आप हमें सिखाना चाहती हैं ये हरफ आखिर नहीं है कि हम सिखा रहे हैं तो हमें कुछ ज़्यादा आता है या कोई और इतना इल्म नहीं रखता ये ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है हमने सिर्फ एक कदम उठाया है कि हमें जो चंद लफ्ज़ आते हैं वो हम आपको सिखा सकें लेकिन अगर आप कोई भी मशवरा देना चाहते हैं कोई सजेशन हो कोई भी आप किसी भी राय से हमें नवाजना चाहते हों तो रा कीजिए हमें ई कीजिए एहले कलम ऐट लाइव डॉट कॉम पे या एडमिन एट एहले कलम डॉट कॉम पे आपकी आरा के मुंतज़िर रहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी इरम बदुल कादरी को इजाजत दीजिए सबक नंबर तीन के साथ अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है अल्लाह अल्लाफ